तो भाई मेरे पास जो है सूरज मिश्रा जी का मेल आया था और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर बताई थी। देखते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है। हेलो सर, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश वेल। मैं इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। आई स्कोर गुड इन मॉक टेस्ट बट आई एम अनेबल टू स्कोर इन द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि मैं मॉक में अच्छा स्कोर कर पाता हूँ लेकिन मेन एग्जामिनेशन जब आता है तो मेरा अच्छा स्कोर नहीं होता है। माई मॉक टेस्ट एवरेज स्कोर इन सीजीएल रेंजेस बिटवीन 21-23 बट इन एग्जाम आई एम अनेबल टू एक्सिक्यूट बिकॉज एवरी टाइम आई अपियर इन एग्जाम आई गोट एनोनिमस सिनोनिम्स एंटोनिम्स विच आई नेवर मेट बिफोर। हाउ टू टेकल विथ दिस स्कोर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो कह रहे हैं कि जब भी मैं एग्जाम में जाता हूँ मुझे वहाँ पर कुछ नए शब्द मिलते हैं, ठीक है, अनजान शब्द मिलते हैं, तो मैं उससे कैसे निपटूँ वहाँ पर। ठीक, तो इस सब के बारे में चलिए बताते हैं। तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, और स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, यहाँ पर मैं अभी आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपने लिए वोकैब के, उसको आपको दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैं आपको ऐप भी बताऊंगा किस ऐप को आपको ज़रूर डाउनलोड करके रखना है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बुक्स, कुछ बुक्स बताऊंगा एक दो, ठीक है, उनको बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग बने रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्रामर की। ठीक है, देखिए ग्रामर आपका कहाँ कहाँ पर पूछा जाता है। ग्रामर आपका इरर्स में आता है। ठीक है, जल्दी से थोड़ा बात करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। इरर्स में आता है, उसके अलावा आपका इम्प्रूवमेंट जो आ जाता है, इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट। ठीक है, और देखो जो इरर्स होते हैं, इरर में ग्रामर तो आता है लेकिन आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैंने देखा है ईडियम्स आ रहे हैं। ठीक है, इरर में जैसे भी जो सीएचएसएल वाला मैंने पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें देखना ईडियम्स आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, ठीक है, स्पेलिंग इरर भी दे रहा है उसमें। ठीक है, और उसके बाद वर्ड्स, ठीक, कंफ्यूजिंग वर्ड या फिर होमोफोन्स कह सकते हो आप लोग, कंफ्यूजिंग वर्ड्स उसमें दे रहा है। ठीक है, तो एरर में भी आपका ज़्यादातर वो कैब पूछी जा रही है। ठीक है, बहुत कम ग्रामर पूछा जा रहा है। इम्प्रूवमेंट, इसमें भी ग्रामर बहुत कम आ रहा है आजकल। आजकल जैसे सिनोनिम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ईडियम दे दिया इम्प्रूवमेंट के अंदर, ईडियम दे दिया उसका मीनिंग उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, कोई वर्ड दे दिया उसका दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दो उसके मीनिंग्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ भी वो कैब ज़्यादा पूछा जा रहा है। फिलहाल ग्रामर इम्पॉर्टेंट तो है ही। अभी हम आपको बात, जैसे यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं एक बार सबसे पहले सीजीएल एग्ज़ाम की 2023 का। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो वोकैब आई थी आपकी, वोकैब है इसके जो आए थे 13 क्वेश्चन, ये प्री की बात हो रही। ठीक है, यहाँ पर मेंस लिख देता हूँ, ठीक, इधर लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, ये प्री हो गया। ठीक है, और यह है मेंस। प्री में आपका जो वोकैब वाला पार्ट है, वोकैब से कितने क्वेश्चन थे, वोकैब से थे यहाँ पर 13। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, और मेंस में भी वोकैब के आए थे 13 क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है कि मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के और इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ग्रामर की बात करें, ठीक है, ग्रामर तो ग्रामर जो है मात्र 6 क्वेश्चन। ठीक है, कितने, 6 क्वेश्चन, और मेंस में 13 क्वेश्चन के आसपास ग्रामर से। ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंशन की बात करते हैं। तीन पार्ट होते हैं इंग्लिश में, एक ग्रामर, एक वोकैब, एक कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो जो आपका कंप्रीहेंशन वाला है इसमें 5 क्वेश्चन आपको पता है क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, उसके अलावा भी कंप्रीहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट तो आता ही है, उसके अलावा पैरा जंबल भी आपका क्लोज टेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन तक मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर और कम कर सकते हैं उसके अलावा। ठीक है, यहाँ पर जो है 19 क्वेश्चन, ठीक, कंप्रिहेंशन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका वोकैब वाला पार्ट और कंप्रिहेंशन पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। वैसे ग्रामर पढ़ना भी ज़रूरी है, ऐसा बात नहीं कि ग्रामर नहीं पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, लेकिन ध्यान किसको रखना है, वोकैब पर फोकस करिए। वोकैब पर अगर फोकस करेंगे तो आपका कंप्रिहेंशन भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्रिहेंशन फाइनली किस पे निर्भर करेगा, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वोकैब को इम्प्रूवमेंट करें। अभी आपको थोड़ा बहुत टिप्स दूंगा भाई मुझसे जितना हो सकेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा जितना हो सके मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा वोकैब पर ध्यान देना, क्योंकि आजकल कॉमन इरर्स ले लीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ले लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए। ठीक है, हर जगह वोकैब पूछी जा रही है। ठीक है, ग्रामर भी आता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर वोकैब क्लोज, वैसे ग्रामर तो आपका क्लोज टेस्ट में भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन वोकैब ज़्यादा पूछी जाती है।
तो मेंस वाला भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर के ऊपर। जो आपका ग्रामर है यहाँ पर देखो, आपको एक बार बेसिक पूरा तो पढ़ना ही है, ठीक है। बेसिक पढ़ने के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे आपको पता है बहुत फेमस बुक है नीतू मैम वाली, ठीक है। नीतू मैम की जो बुक्स आती हैं उसको आप पूरा पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक बार पूरा बुक पढ़ने के बाद कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे एक होता है टेंस, ठीक है, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस। उसके बाद दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीसरा आपको पता है कि पैसिव वाइज से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, पैसिव वाइज से एक क्वेश्चन आना ही आना, उसमें कोई संदेह है नहीं, ठीक है, तो आना ही आना है। तो इसको और नरेशन, ठीक है, इसी के साथ नरेशन ले लो थोड़ा बहुत, क्योंकि जो आपका CHSL वाला है उसमें नरेशन भी आया हुआ है, ठीक है। मेंस वाला मैंने सॉल्व कराया था तो मेंस वाले में आपके नरेशन भी पूछे गए, ठीक है। तो नरेशन और पैसिव वाइज इसको पढ़ना है डीप से, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक। पैसिव वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसिव वाइज हमेशा पूछा आता है, तो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। और उसके अलावा आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल से एक क्वेश्चन आजकल बन रहा है, ठीक है। हर एक एग्जाम में मैंने देखा, जितने भी CGL सॉल्व कराए, CPO के, CHSL के हल करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो आपका आर्टिकल से आ रहा है, ठीक है। तो ये उतना हो गया। तो पूरा बेसिक ग्रामर एक बार सभी चैप्टर्स को बहुत ही भली भांति पढ़ लेना है। उसके बाद ये कुछ चैप्टर्स हैं, इन पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। और एक होता है प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये क्या होता है प्रीपोजिशन, आपको यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन याद करना होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी आपको कराऊँ, ठीक है। देखिए मेरे माइंड में बहुत कुछ है लेकिन कुछ वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ उनको, ठीक है। वजह क्या बताऊँ आपको, सभी को पता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ सबके पास, ठीक है, मेरे पास भी हैं, इसलिए मैं सब कुछ नहीं दे पाता हूँ। और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट की भी कुछ कमी है, ठीक है, इसलिए भी नहीं हो पाता है। वरना मैं भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत, मतलब बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना जुगाड़ है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो फिलहाल जितने मैं दे रहा हूँ उतना ही काम चलाइए। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक आपको पूरा पढ़ ही लेना है। उसके बाद टेंस, टेंस आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। आपको किस किस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आएगी, जैसे हैज है, बैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई शैल विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जे मार वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो इन सभी के पास किसके बाद कौन सी वर्ब आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे CGL वाला ही लगा लो, ठीक है, या फिर जो CPO वाला कॉमन ईयर का एक तरफ से क्वेश्चन दिया था, कॉमन ईयर वाले, उसमें जा करके देख लो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई दो राय नहीं, ठीक है। टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद पैसिव वाइज आना ही आना है, ठीक है, ये सब आना ही आना है, ठीक है। एक बार पूरा बेसिक पढ़ लो, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, और उसके बाद बस आपको केवल प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर की, ठीक, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं पढ़ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगाओ, उसका मान लो कोई कंसेप्ट आपको नया मिल गया, उसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, कॉपी में नोट बनाना है आपको, ठीक, नोट अपने हाथों से बनाना है कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसका नोट करो कॉपी में, और उसका कंसेप्ट क्या है, और उससे मान लो कोई क्वेश्चन आपने देखा वहाँ पर ये मिल गया कि ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका कि ING फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो उस पूरे कंसेप्ट, उस क्वेश्चन को लिखो और उस पूरे कंसेप्ट को ही लिख डालो वहाँ पर नीचे, ठीक है। लुक, सीम, अपियर, ठीक है, हैव, ये सब वर्ब होती हैं जिनमें वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो इनको यहाँ पर लिख डालो सब, कि एक बार में पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद वर्ब की ING फॉर्म ही आती है, ठीक है, जैसे जैसे वर्ड एडमिट, अवॉइड, डिलीट, डेनी, डेटेड, एक्सक्यूज, माइंड, प्रिवेंट, रिसेंट, कैंट स्टैंड, कैंट हेल्प, इट्स नो गुड्स, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद वर्ब की सीधा ING फॉर्म आती है। इनको आपको तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत लिखना ही होगा आपको, ठीक है, और जितनी बार मिले ना ध्यान आए तो उतनी बार लिखना है, 50 बार लिखना पड़े 50 बार लिखना है, लेकिन आपको लिखना है और उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गई ग्रामर की बात, बस पूरा बेसिक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के लिए हो सके तो आप लोग किरण ले लीजिए, ठीक है, या फिर मैं कराता हूँ मेरे वीडियो से, मेरे वीडियो पे आ जाओ, ठीक है, वहाँ पर सभी क्वेश्चन पेपर लगाते चलो। ये मत सोचो कि MTS का है तो CGL वाला क्यों देखूँ, नहीं भाई, सब कुछ देखना है, ठीक है। आपको CGL का पेपर देना है फिर भी MTS का, GD का, ये मत सोचो कि भाई MTS का मेरे लेवल का नहीं, हर एक लेवल बराबर है उसमें, SSC में इंग्लिश बराबर है, ठीक है। आपको GD का भी अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको CGL वाली इंग्लिश पढ़ना ही, ठीक, लगाना ही है, तो आपको सब कुछ लगाना है, चाहे CGL दो चाहे CHSL दो, ठीक है, हर एक पेपर को लगाना है, मत सोचना कि CPO नहीं लगाऊंगा, ठीक है, सब कुछ लगाना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो पूरा यहाँ पर लगाते चलो। कुछ वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकालो, ना समझ में आए फिर उसी समय सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। और बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा ग्रामर, ठीक है। फिलहाल अब चलते हैं आपके
कंप्रिहेंशन पार्ट पे। ठीक, कंप्रिहेंशन में क्या है, आपको पढ़ना है, ठीक है, बस रीडिंग करना है। रीडिंग बहुत लोग कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, मेरे से तो नहीं हो पाता भाई और अधिकतर लोगों से नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको मैं भी न्यूज़पेपर से पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, आप लोग NCERT की पुस्तक पढ़ो, कोई भी एक बुक ले लो, चाहे 10th की, 11th की, 12th की, कोई भी ले लो, ठीक है, पढ़ो उसको। जैसे मैंने अभी आपको जो पहला CHSL वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, उसमें कहाँ से एक क्वेश्चन था पैराजंबल वाला, 11th की बुक से आया था, नाम था उस चैप्टर का, मुझे नाम पता है, रंगाज मैरिड, ठीक है, वहाँ से निकल करके आया था। तो इन सब बुक्स को पढ़ते रहो, ठीक है, बुक्स को पढ़ो, ना पढ़ पाओ तो स्टोरी पढ़ो, NCERT की बुक्स पढ़ो, यही इंपॉर्टेंट है, यही ज़रूरी, ठीक है। और जो भी वर्ड आपको मिले ना समझ में आए, तो उस वर्ड की मीनिंग नोट्स बना लो, अभी मैं आपको अपनी नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है, तो नोट्स बना लो आप, ठीक, आगे चलते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर, केवल और केवल प्रीवियस ईयर कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चन हैं उनको बनाते हुए चलो, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दे की है, वो है वोकैबुलरी, ठीक है, इसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए देखो, आपको रूट वर्ड पढ़िए सबसे पहले, तो रूट वर्ड्स, ठीक है, रूट वर्ड्स के लिए क्या करें, एक बुक आती है मनीषा बंसल मैम की, नियोन क्लासेस की, अवतार नाम से, ठीक है, अवतार नाम की बुक है। देखो, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, या नहीं कि मैं भी आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो नहीं, जब बुक्स का सजेशन तभी करूँगा जब मैं कोई बुक लिखूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें अच्छी हैं उनको हमेशा मतलब प्रशंसा की जानी चाहिए, लोगों को प्रेफर की जानी चाहिए, ये बुक बहुत ही अच्छी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ उसमें प्रीवियस ईयर की वोकैब भी हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर यह भी बताया कि किस क्वेश्चन को कब पूछा गया है किस एग्ज़ाम में, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है, नंबर एक बुक है, ठीक है, वो कैब के लिए इसको ले लो बस, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लेना है आपको, मैंने किरण बताया, देखिए तीन बुक हो चुकी हैं वैसे तो, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम केवल फिर किरण ले लीजिए, ठीक है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो केवल किरण ले लीजिए, उसी में से प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, और कम से कम ये बुक आप लोग रखेंगे, अगर हो सके तो रख लीजिए, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, वीडियो देखना होगा, वीडियो मनीषा बंसल मैम का ही है, शायद 12-13 घंटे का होगा, मैंने देखा नहीं है, ठीक है, उसको जा करके देख लेना फिर उनके चैनल पर, ठीक है। तो आपको वहाँ से रूट वर्ड का आइडिया मिल जाएगा, 8-10 हज़ार वर्ड वहाँ पर रूट वर्ड से बताए गए हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना जा करके, आपका काम अच्छे से मतलब इसमें बहुत काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है, आप जैसे सूरज जी ने बताया कि उनको जो है हमेशा नए वर्ड मिलते हैं, देखो एग्ज़ाम जब भी होता है सिनोनिम एंटोनिम कितने 2-4-5 क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसमें से एक कभी कभी एक कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही जो कि नए वोकैब होंगे, ठीक है, तो वो सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप क्या करें कि केवल और केवल प्रीवियस ईयर पढ़ें, और भाई देखो नोट्स कुछ भी पढ़ो नोट्स ज़रूर बनाओ, वोकैब की नोट्स आपको बनाना है, और नोट्स इस तरीके से बनाना है, देखो जैसे मान लो ब्लैंक पेज है तो इतना इस पेज में इतना ज़्यादा लिख डालो, यहाँ से शुरू करो, पूरा पेज भर डालो, ठीक है, छोटा छोटा बिल्कुल जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखो, पूरा वोकैब से भर डालो इसको, ठीक है। माइंड को थोड़ा सा हैक करना है यहाँ पर, देखो माइंड क्या है, अभी मान लो इतनी मोटी बुक बना दूंगा, ठीक है, इतनी मोटी बुक बन गई है, अब माइंड को क्या मैसेज जाएगा, यार इतनी मोटी बुक कौन पढ़े, ठीक है, और एक ही पेज में छोटा छोटा लिख करके इसी बुक को आधी कर दो, इतना मोटा कर दो बस, तो क्या हो जाएगा, चलो छोटा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक पेज पर अगर ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को लिखोगे तो उससे क्या होगा कि मतलब एक ही पेज पर आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी एक बार में, मतलब हो जाएगा कि हाँ मैंने इतना सारा पढ़ना है, ठीक है, टाइम मतलब ख़राब भी नहीं होगा टाइम भी, और ऊब भी नहीं लगेगी। तो एक पेज अभी आपको नोट्स दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गई भाई वोकैब की बात, मेरे जहन में जो था मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सारा का सारा खेल प्रीवियस ईयर का है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही रिपीट होते हैं इसमें वोकैब में, ठीक है। मान लीजिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना वो फालतू नहीं आते हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन के जो मीनिंग है उनको भी जरूर देखो, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अच्छा वाला आंसर हो गया, इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि मैं आपको जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो देता हूं तो हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूं, वैसे वन वर्ड क्या मैंने कोई भी वीडियो दिया होगा हर एक वर्ड का वहां पर जरूर बताते हुए चलता हूं, ठीक है। तो आप लोग मेरे ही वीडियो देख करके चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक। अब फिलहाल अपनी नोट्स दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर मान लो कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट तो जरूर कर देना, ठीक है। चलते हैं अपनी नोट्स पर, मैं दिखाता हूँ आपको।
हाँ अच्छा, मैंने इससे पहले एक ऐप है, ठीक है, ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। ऐप का नाम है SSC इंग्लिश क्विज, ठीक है। ये एक ऐप है, सब लोग यूज करते हैं आजकल, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा इसमें नहीं लगता है। इसमें जाओगे ऐप में तो यहाँ पर SSC के प्री CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। 2017 का है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक का, बिल्कुल लेटेस्ट तक, ठीक है, सभी क्वेश्चन पेपर फ्री में। उसके अलावा इसमें इतनी सारी कुछ हैं, आप कोई भी कुछ सिनोनिम कुछ करना चाहते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, इतना कुछ है कि मतलब भरपूर पैकेज है, ठीक है। ये सब फ्री में कोई नहीं देता, पता नहीं कौन से भाई हैं, पता नहीं किसका ऐप है, भाई दयालु हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ फ्री में दे रहे हैं, पेड में भी उतना अच्छा। आप टेक्स्ट बुक का कोर्स ले लोगे ना तब भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इस ऐप को जा करके डाउनलोड करना, ठीक है, 2-4 दिन यूज करना, मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ सर आपने इसको बताया था, बहुत अच्छा ऐप, ठीक है। आप लोग खुद ही इसको देख करके मतलब प्रसन्न हो जाओगे कि यार क्या कितना अच्छा ऐप है, ठीक है। तो आपको इसमें सब कुछ और डेली प्रैक्टिस के लिए भी आता रहता है इसमें, तो इस ऐप को जाकर के जरूर डाउनलोड करो, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करो उसमें, ठीक। कोई जाएंगे उनको प्रैक्टिस करते जाओ, सबसे अच्छा ऐप है, ठीक है, फ्री में इतना कोई नहीं देगा, तो इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। अब चलिए चलते हैं नोट पर अपने, यहाँ पर देखो ये मेरी नोट्स है, ठीक है, ये है ग्रामर, ठीक। मुझे मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मान लो मुझे ग्रामर का कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेट एक बार मुझे मतलब फिल करना था, शायद उसमें क्वेश्चन आया रहा, ठीक है, तो ग्रेट उसकी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इस वाले को फिल, ये दोनों ऑप्शन में थे, ठीक है, तो मुझे पता चला कि ये वाला कोई शब्द ही नहीं होता, ग्रेटफुल, ठीक, GREAT, ये ग्रेट तो होता है लेकिन इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है, ये वाला होता है ग्रेट, GREATE, ठीक है। तो फिर मैंने इसको लिख लिया, ये कोई शब्द नहीं होता, अब मुझे हमेशा याद रहता है, ठीक है, ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मतलब फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है, या जो आपके फिक्स प्रीपोजिशन, तो ऑन अपॉन समबडी रिटर्न, ठीक है, ऑन अपॉन समबडी रिटर्न, तो इसको इसी तरीके से याद करना होता है। जैसे यहाँ पर इवन ओनली का यूज उस वर्ड के ठीक पहले होता है जिसकी विशेषता बताता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिख लिया, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी लिखा है, कपल ऑफ डेज के पहले दा नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है, और एग्जाम में दा लगा था, तो जो चीज़ मुझे मतलब लगता है कि हाँ ये लिखने वाली, उसको मैं ज़रूर लिख लेता हूँ और इसको बीच बीच पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही मतलब आपको इस तरीके से बना लेना है और इसको बीच बीच में पढ़ते रहना, ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। जब भी जैसे आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो इसी तरीके से उसको छोटा छोटा करके लिखते चले चलो, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिख लिया, टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स, ठीक है, ये एक EDM है, ठीक, इसको लिख लिया, ये कॉमन एरर में आया था, यहाँ पर कुछ और रहा होगा, ठीक, मैंने इसको इसी तरह लिख लिया, अब याद रहेगा, ठीक। जैसे नीदरलैंड फिलिपीन से मिला तो इसके साथ आर्टिकल द आता है, ठीक है, वहाँ पर नहीं था तो मैंने इसको फिर से यूज कर लिया, लिख लिया, ठीक। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखो, ठीक है, ये सब यहाँ पर जितना भी लिखा है सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ, उसी में से मैंने ढूंढ के निकाला है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ उसी में से ढूंढ के निकाला गया। इसको मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे ज़्यादा मैं कुछ वहाँ पर डालता वालता हूँ नहीं, ठीक है, फिर भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसको मैं वहीं पर दे दूंगा, तो और थोड़ी सी PDF की साइज थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक। उसके बाद ये पूरी ग्रामर वाला ही अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, पूरी नोट्स नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा है, 2000 पेज यहाँ पर लेकर के आया हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आया कई बार कि रिमेंबर प्लस इसके बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी फ्यूचर टाइम बताता है, रिमेंबर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी तो पास्ट टाइम को बताएगा, तो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से ध्यान रखो। फिलहाल ये है वोकैब, मैंने इस तरीके से वोकैब की नोट बनाता हूँ, ठीक है, पूरा मतलब एक ही पेज में छोटा छोटा लिख करके, यहाँ पर देखो इधर भी लिखा है, इधर पर लिखा, जहाँ जगह मिले मैंने लिख डाला, ठीक है, बस एक बार, क्योंकि एक बार में पूरा पूरा आपका रिवाइज हो जाए। और वोकैब की जब नोट्स बनाओ इस तरीके से तो इसी में ईडियम, फ्रेजल वर्ब सब कुछ इसी में डालो, ठीक, ताकि समझ में आता रहे। जैसे यहाँ पर देखो कन्फ्यूजिंग वर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं तो मैंने इसमें निशान बना लिया, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, ये इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और इनको बीच बीच में रिवाइज करते हैं, लेट गो आप माने जाने देना, सीज टू एग्जिस्ट माने अस्तित्व समाप्त होना, तो इस तरीके से ये सभी एग्जाम में आए इसलिए मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो एग्जाम में ना आया हो, ठीक है, कहीं ना कहीं चाहे मुझे कॉमन एरर में मिला हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिला हो, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मुझे लगा कि ये लिखने लायक है तो मैंने उसको जरूर लिख लिया, ठीक है। ये सब देखो इस तरीके से यहाँ पर
काफ़ी कुछ मैंने इसी तरीके से सबको लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको भी इसी तरीके से नोट बनाना है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिला, मैंने उसको ऊपर लिख लिया यहाँ पर, ठीक। बाय द टाइम प्लस ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना ले, फिर पजेसिव प्रोनाउन हर सेंटेंस के लास्ट में आए तो हर का प्रयोग करते हैं। जनरली ये सब जो रूल होते हैं ग्रामर में नहीं पढ़ाए जाते हैं जल्दी से, ठीक है, तो इनको मुझे मिलते रहते हैं तो मैं इनको लिख लेता हूँ, और ऊपर लिखा है तो जब पन्ना पलटूंगा तो खुद ही याद आ जाएगा, ठीक। इस तरह के मतलब काफ़ी मोटी मोटी 3-4 डायरी से भर चुकी मेरी, ठीक है, और उसको बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छे से याद रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी भी बनाना है, कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी, ठीक है, कॉपी ज़रूर बनाना यहाँ पर देखो। और उसके बाद कुछ और नोट्स हैं यहाँ पर, देखते हैं। जैसे कुछ नोट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर टाइप वाइज, ठीक है, ये सभी हैं, आपको सब सब आप लोग जो है देख सकते हैं वहाँ पर, जब डाउनलोड कर लेना उसमें आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है, सब कुछ देख लेना यहाँ पर। देखो यहाँ पर जैसे पेयर होते हैं कि सेल्डम, इफ़ एवर, सेल्डम और नेवर, ये सब पेयर हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इस तरीके से आया था, गलत हो गया था, ठीक है, तो ये सब आपको हिंट बना करके लिखते हुए चलना है, ठीक है, तभी भाई तभी काम चलेगा। देखो नौकरी आपको पानी है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं करना आएगा आपके लिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। यहाँ पर देखो, ये देखो इस तरीके से जो टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे एनिवर्सरी मैंने यहाँ पर लिख ली, 50वीं एनिवर्सरी को सेमी सेंटेनियर बोलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ लिख लिया मैंने। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर जैसे इस तरीके से, तो इनको सबको आप लोग इसी तरीके से लिखते हुए चलो। राइमिंग वर्ड है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से आप लोग पूरी नोट्स बनाइए, ठीक, हाइटर्स लिखे हुए यहाँ पर, यहाँ पर देखो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग सब कुछ लिख लिया करें। ये वाली पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना। अगर कोई चीज़ मान लो मुझसे छूट गई हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पर सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीएसएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल ही रहे हैं, आप लोग उनको अच्छे से लगाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।